सदर जलसा और हाजरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा मौजू है रिफॉर्म्स इन मदरसा एजुकेशन, ए स्टडी ऑन करिकुलम। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इल्म का मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारे आलम का मुअल्लिम बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही आई वो इखरा थी, जबकि उस वक्त उस ज़माने में जहालत आम थी। वही पहली जो आई इखरा, उसमें पढ़ो यानी पढ़ने से दुनिया की तमाम तारीकी छट जाएगी। तालीम हासिल करने की अहमियत इस आयत से ज़ाहिर होती है। इस्लाम एक एतदाल पसंद मज़हब है। इस्लाम के अहकाम व ख़वानीन में तवाज़न है, ख़ास तौर पर सिन्फ़ नाजुक से मुतलक ऐसा तवाज़न और एतदाल है जिसकी नज़ीर किसी और कौम में नहीं मिलेगी, और पिछली अक़वाम की तारीख में भी ऐसी कोई तारीख नहीं है। इस्लाम ने औरत के मुकाम को बुलंद किया और वह तमाम हुकूक़ दिए जो दूसरी कौमों ने महरूम कर रखा था। इस्लाम ने औरत का मुकाम को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया। इस्लाम में औरत का मुकाम माँ के मर्तबे में उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और जब वो बेटी होती है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि जो दो लड़कियों की अच्छी परवरिश करे और अच्छी तालीम दे और अच्छी जगह उनका निकाह करा दे तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा, अपनी उंगलियों का इशारा बताकर कहा। तो एक लड़की अपने वालदेन को जन्नत में ले जाने के काबिल बना देती है। ख्वातीन का मर्तबा इस्लाम में इस तरह से है, और यही नहीं लौंडियों को भी तालीम देने की ताकीद की गई है। तालीम जितनी मर्द के लिए ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत ख्वातीन की तालीम की है, क्योंकि ख्वातीन बच्चों की परवरिश करती हैं और उनकी नशोनुमा उन्हीं की गोद से होती है। समाज के निस्फ हिस्से की परवरिश भी उसी के गोद से होती है। कहा जाता है कि माँ की गोद पहला मदरसा है। अगर उस मदरसे में वो जब तालीम हासिल करेंगे, माँ को जब अपने आमाल करते हुए देखेंगे, किरदार देखेंगे और वो फाल देखेंगे, तो वो भी बच्चे भी वही करेंगे। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लड़कियों की तालीम व तरबियत का ख़ास इंतज़ाम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ेर निगरानी हफ्ते में एक दिन लड़कियों ख़वातीन को तालीम व तरबियत देते थे, बानफ्स व नफीस खुद दिया करते थे। इसी वजह से इस दौर में ख़वातीन आला दर्जे की मुफस्सिरा मुहद्दिसा फ़क़िया थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी है। सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म के हुसूल के साथ साथ पेशावराना कामों में भी महारत रखती थी, जैसे इल्म तिब, जराई फ़न, किताबत, तिजारत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैनुल अक़वामी तिजारत करती थी। उस ज़माने में कोई कम्युनिकेशन, कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, फिर भी वो बैनुल अक़वामी तिजारत करती थी। और आज ये साहबियात हमारे लिए मिसले राह हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक ख़वातीन इतनी बड़ी तिजारत नहीं कर पा रही है। आज का दौर तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है। तालीमी तरक्की और टेक्नोलॉजी की तरक्की वजह से इंसान अपनी कलील ज़िंदगी के अरसे में सदियों का काम बरसों में अंजाम दे रहा है। दुनिया की जुमला आबादी में तकरीबन निफ्स हिस्सा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए लड़कियों की तालीम व तरक्की और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर ज़ोर देना अहम हो गया है। क्योंकि एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने बच्चों को आसानी तालीम दे सकेगी और तालीम में उनकी रहनुमाई कर सकती है
اور ان کو ایک ترقی یافتہ انسان بنا سکتی ہے۔ ایک جائزے کے مطابق یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیمی ترقی ٹیکنالوجی کے میدان میں لڑکیاں بنسبت لڑکوں کے بہترین مظاہرہ پیش کر رہی ہیں، جبکہ ایک عرصہ قبل صنف نازک گھر کی چار دیواری میں جھاڑو اور برتن دھونے کی ذمہ داری تک ہی محدود تھی۔ اس تعلیمی ترقی کی وجہ سے وہ ایک ایسٹروناٹ بن کر خلاؤں میں تحقیق کا کام انجام دے رہی ہے اور سول انجینئر بن کر اپارٹمنٹ کی ڈیزائننگ کر رہی ہے، تعمیری کام بھی انجام دے رہی ہے اور ایروناٹک انجن بن کر لاکھوں ٹن سامان ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنے کے لیے ہوا جائز بھی بنا رہی ہے۔ بی فارمیسی، بی فارما، بی فارمیٹی کر کے لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی جانیں بچا رہی ہے اور ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیاں جامعات میں وائس چانسلر اور ڈین کے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ عصر حاضر کی تیز رفتار ترقی نے زندگی کو بہت متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کے معیارات، ضروریات اور تقاضے بدل گئے ہیں۔ سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی، تہذیبی اور دیگر شعبوں میں چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی معیشت کے بدلتے ذرائع اور سیاسی و سماجی تبدیلیوں کے تناظر میں ابھرنے والے چیلنجز کا بھی جائزہ لیا جائے تو ان میں اہم نکات اعلیٰ تعلیم کا حصول۔ ابھی اعظم سر نے بتایا کہ اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی شمولیت 4.2% ہے، اس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں۔ پیشہ وارانہ ہنرمندی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال میں مہارت، سرکاری و غیر سرکاری سہولتوں اور مسائل کی بھرپور معلومات، مسابقتی دور کے تمام شعبوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت، مرکزی دھارے میں شمولیت اور بنیادی و شہری حقوق سے واقفیت اور ان کا استعمال بھی شامل ہے۔ جو ابھی آپ نے سنا کہ ہماری جو حقوق ہیں اس کو ہم جب تک استعمال نہیں کریں گے ہم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے۔ اس بدلتے پس منظر میں ہمارے ملک کا جائزہ لیں تو بے شمار چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ عصر حاضر میں ملک کے افراد، بالخصوص خواتین کو درپیش ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارے ملک کی خواتین کا جائزہ لیں تو وہ تعلیم یافتہ، با اختیار فرد کی حیثیت کی حامل ہیں، وہیں وہ مختلف مسائل و چیلنجز سے دوچار نظر آتی ہیں۔ اس تناظر میں مسلم خواتین کے موقف اور ان کی ترقی میں درپیش مسائل و چیلنجز کا جائزہ لینا اہمیت کا حامل لگتا ہے۔ مسلم خواتین کی آبادی کی ایک بہت بڑی شرح آج بھی ناخواندہ ہے، پسماندگی، غربت کے علاوہ صنفی مسائل کا شکار ہے۔ ماضی سے لے کر تاحال خواتین کی حیثیت کے اس بدلتے موقف اور عصر حاضر کے تناظر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ عصر حاضر میں ہمارے ملک کی مسلم خواتین اپنا کیا موقف رکھتی ہے، ہمارے ملک میں مسلم خواتین کس مسائل سے دوچار ہیں، کیا مسلم خواتین عصری چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ترقی کے مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے قابل ہیں۔ مسلمان طبقے کے متعلق شائع شدہ رپورٹس کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان طبقہ تمام شعبہ حیات میں دیگر مذاہب کے افراد کے مقابلے میں پچھڑے ہوئے اور ترقی کے دھارے سے دور ہیں۔ مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کے مقابلے میں خواتین کا موقف اور بھی ابتر ہے۔ مسلم خواتین ترقی کے نشانے سے بہت دور ہیں۔ گزرے برسوں میں قومی و ریاستی سطح پر تحقیقاتی ایجنسیوں اور حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے مسائل کو جاننے کی بڑی سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں اور نہایت اہم رپورٹس منظر عام پر آئی۔ سب سے پہلے سیما خازی کی رپورٹ 1999 میں انہوں نے مسلم خواتین پر سروے کیا۔ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ مسلم لڑکیوں میں تعلیم پر تناسب نہایت ہی کم ہیں اور وہ صنفی امتیاز کا شکار ہیں۔ اس کے بعد نیشنل کمیشن فار وومین کے تحت منعقدہ سروے رپورٹ بے آوازوں کی آواز 2000 میں اس پہ سروے کیا گیا ہے اور اس میں بھی مسلم خواتین کی پسماندگی کی وجہ ان کی تعلیم سے دوری بتایا گیا۔
मुस्लिम एजुकेटिंग गर्ल्स 2005 में मुस्लिम ख़वातीन पर जो सर्वे किया गया, इसके जायजे से पता चलता है कि मुस्लिम ख़वातीन नाख्वानदगी का शिकार है और इन में आला तालीम की कमी पाई जाती है। सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 के मुताले से मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के दीगर तबक़ात के मुकाबले में मुस्लिम तबके की हालात बहुत अबतर है, ख़ास इसमें मुसलमानों की जुमला माशी, तालीमी, समाजी, सेहती हालत का मुकम्मल जायज़ा पेश किया गया है। और मुस्लिम ख़वातीन के बारे में इसमें है कि मुस्लिम ख़वातीन पिछली हुई सतह की ज़िंदगी गुजार रही है, बीपीएल लो से भी ज़्यादा निचली सतह की ज़िंदगी गुजार रही है। इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट ने यह भी वाजह किया कि मुस्लिम वालदेन अपनी बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं और माशी मजबूरी, माशी मसाइल की वजह से छोटे बच्चों को मजदूरी पे लगा दिया जाता है, उनकी योमिया उजरत पर उनके घर की रोज़ी रोटी चलती है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम ख़वातीन की तालीमी पस्ती के कई अजबाब बयान किए गए हैं, जिनमें वालदेन की नाख्वानदगी। अगर वालदेन नाख्वानदा होंगे तो वह अपने की बच्चों की तालीम की कोशिश कैसे करेंगे, वो आला तालीम तक उनको कैसे ले जाएंगे, उनकी रहनुमाई कैसे करेंगे। इसीलिए ये रिपोर्ट ने यह वाजा किया है कि वालदेन की नाख्वानदगी मुस्लिम ख़वातीन की पस्ती की वजह है और नाख्वानदगी, गुर्बत, अदम तहफ़ मखलूत तालीमी इदारों की कमी। कई वालदीन मखलूत तालीमी इदारों की वजह से अपने बच्चियों को आला तालीम तक नहीं पहुंचाते, नहीं भेजते हैं स्कूल को, क्योंकि वो मखलूत तालीमी इदारे हैं। आजकल मखलूत तालीमी इदारों का रुझान बढ़ रहा है। उर्दू ज़रिए तालीम का ना होना, आज उर्दू मदारिस, उर्दू स्कूल्स काफ़ी बंद किए जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा खोले जा रहे हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स ज़्यादातर हुकूमत की जानिब से चलाए जाते हैं, प्राइवेट सेशंस में उर्दू के स्कूल्स बहुत ज़्यादा कम हैं। स्कूल और कॉलेजेस की घर से दूरी, ये सिस्टर कमेटी रिपोर्ट ने वाजह किया कि घर से दूरी की वजह से कई बच्चों को अदम तहफ़ की वजह से तालीम तर्क कर देनी पड़ती है वालदेन की ज़बरदस्ती से, क्योंकि घर से स्कूल दूरी होने पर लड़कियों को अकेले घर से भेजा नहीं जाता। और कम उम्र की शादियां, कम उम्र की शादी की वजह से भी मुस्लिम ख़वातीन की तालीमी हैसियत बहुत पस्त है। और सिन्फी इम्तियाज़, लड़का और लड़की में जो इम्तियाज़ किया जाता है, अक्सर वालदेन लड़कों को आला तालीम तक पढ़ाते हैं और बच्चियों को 8, 9, 10 में तरक तालीम करा देते हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी इंकशाफ किया कि हमारे मुल्क में 8,000 दीनी मदारिस है, जबकि गुजरात में ही 5,000 मदारिस मौजूद है और शहर हैदराबाद में सिर्फ 200 से ज़ायद तालिबात की मदारिस मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम तबके के गरीब अफराद दीनी मदरसे में दाखिला लेते हैं। एक अरसे दराज तक हमारे माशरे में लड़कियों को इन दीनी मदारिस में दाखिला लेने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन मुस्लिम समाज के जहनी तब्दीली ने लड़कियों के लिए दीनी मदारिस का क़याम पर तवज्जो दी। आज बेशुमार लड़कियाँ दीनी मदारिस की तालीम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ताहम आज के असरी तकाज़ों और मुस्लिम ख़वातीन की पस्त हैसियत के तनाजर में ये सवाल उभरता है कि वो तालिबात जो दीनी मदारिस से तालीम हासिल कर रही है, आज के असरी तालीम याफ्ता लड़कियों के मुकाबले में अपने आप को कमतर समझती है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के तरक्की के लिए जिस तरह की तालीम इन्हें चाहिए वो दीनी मदारिस से हासिल नहीं हो रही है। किसी भी इल्म के शोबों में निसाब तालीम की काफ़ी अहमियत होती है, इसलिए किसी भी शख्सियत की फ़िक्र शऊर की नशोनुमा में निसाब तालीम बेहद अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि दीनी मदारिस का निसाब तालीम किस तरह से तालिबात की फ़िक्र शऊर की नशोनुमा में माहून किरदार अदा कर रहा है। इन तमाम मसाइल के पेश नज़र दीनी मदारिस के निसाब तालीम पर तहकीक की गई। शहर हैदराबाद के चंद तालिबात के दीनी मदारिस को मुंतखब किया गया है। इन मदारिस में तालिबात, असातज़ा को शामिल किया गया। तहकीक से हासिल शुदा नतायज जो ज़ाहिर हुए हैं वो इस तरह से हैं।
جو طالبات دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہے ان کی تعلیمی اصلی تعلیمی قابلیت پوچھی گئی سوالوں کے ذریعے مواد حاصل کیا گیا تو طالبات کا کہنا ہے کہ 28% طالبات صرف 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہیں 28% طالبات میں جو کسی وجہ سے 10ویں کے فیل ہونے کے بعد داخلہ لی ہیں اور کوئی 8ویں اور 9ویں پاس کرنے کے بعد ان مدارس میں داخلہ لیا ہے تو صرف 28% طالبات 10ویں جماعت تک تعلیم یافتہ ہے اور اساتذہ میں 27% عصری تعلیم یافتہ ہے طالبات میں عصری تعلیم کی کمی پائی گئی اور اساتذہ میں جو دینی مدارس میں تعلیم دے رہی ہیں وہ صرف 32% ہی 10ویں کامیاب ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو اساتذہ دینی مدارس میں تعلیم دے رہے ہیں ان کا فیصد بہت زیادہ ہے 72% دینی مدارس میں جو اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں 72% گریجویشن ہیں اسے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دینی مدارس میں جو اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں اور جو دینی مدارس میں طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہے ان کا عصری تعلیمی قابلیت بہت زیادہ کم ہے اور مرد اساتذہ کا بھی تحقیق میں شامل کیا گیا وہ 24% مرد اساتذہ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کیے جو دینی مدارس میں تعلیم دے رہے ہیں اور 38% 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کیے ہیں مرد اساتذہ میں 27% مرد اساتذہ گریجویشن کیے ہیں اور 11% پوسٹ گریجویشن کیے ہیں اور 2% تحقیق کے کام سے وابستہ ہیں والدین کی ناخواندگی بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہے کل نمونے کے 60% طالبات کے والدین کی قابلیت ایس ایس سی سے بھی کم ہیں والدین تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو بچوں کی رہنمائی کس طریقے سے کریں گے اور دینی مدارس کے طالبات کے ماؤں کی اکثریت ناخواندہ ہے اس لیے وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے رہنمائی نہیں کر پا رہی ہے مدارس کے طالبات کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو اور مدارس میں ان کی تربیت و ذہن سازی اس طرح کر دی جائے کہ وہ آنے والی نسلوں کی بہترین پرورش کر سکے نمونے کے کل اساتذہ میں 80% نصاب میں ترمیم چاہتے ہیں یہاں پر میں طالبات کے مدارس کا بات کر رہی ہوں تمام مدارس میں نصاب کی تبدیلی کی ضرورت ہے یہاں پر طالبات کے لیے اسی لیے زیادہ میں فوکس کی ہوں کہ ابھی ہم بتائیں کہ خواتین کی حالت کس طرح پسماندہ ہے بے شمار رپورٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ خواتین بی پی ایل لو سے بھی پستی کی پسماندہ زندگی گزار رہی ہے نمونے کے کل اساتذہ میں 80% نصاب میں تبدیلی چاہتے ہیں اور کل طالبات میں 78% تبدیلی چاہتے ہیں اساتذہ اور طالبات کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں پایا گیا اس طرح دینی مدارس کے نصاب میں کچھ حد تک ترمیم کی ضرورت ہے کل نمونے کے معلمات اور اساتذہ میں طالبات عصری علوم شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے سائنس سماجی علوم حساب انگریزی اور کمپیوٹر وغیرہ اور مرد اساتذہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں مگر ان کے نظریات کچھ الگ ہے وہ صرف انگریزی اور کمپیوٹر کو نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں سائنس اور سماجی علوم کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جبکہ یہ دونوں علوم بھی موجودہ دور کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں کل نمونے کے افراد عصری علوم کی کمی محسوس کرتے ہیں اور اساتذہ بھی اس عصری علوم کی کمی محسوس کرتے ہیں دینی مدارس کے اساتذہ 80% معلمات کا کہنا ہے کہ وہ عصری علوم کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں عصری مدارس کے معلمات میں 68% معلمات اچھی ملازمت کے لیے عصری علوم حاصل کرنا چاہتی ہیں مرد اساتذہ میں 72% اساتذہ عصری علوم کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور 28% اساتذہ اچھی ملازمت کے لیے عصری علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں 68% مدارس میں فارغ التحصیل طالبات دینی مدارس اور عصری مدارس میں صرف پیشہ تدریس سے وابستہ ہیں پیشہ تدریس کے علاوہ کوئی دوسرا پیشہ انہوں نے اختیار نہیں کیا یہ فارغات دوسرا پیشہ کیسے اختیار کر سکتی ہے جبکہ مدارس میں ان کی تربیتی اس انداز سے ہوئی ہے وہ تدریس کے علاوہ دوسرا پیشہ اختیار نہیں کر سکتی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فارغات پیشہ تدریس کے علاوہ دوسرے پیشے میں نظر نہیں آتی اس سے مسلم خواتین کی ترقی محدود ہو کر رہ گئی ہے
अगर दीनी मदारिस की फारिगात दीनी मदारिस में तालीम देने लगे तो आजादा की तादाद तालिबात की तादाद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा बाद फारिगात असरी मदारिस में रोज़गार से मरबूत होना चाह रहे हैं, इन्हें मुख्तलिफ तरह के मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। 76% असादसा असरी मदारिस से मरबूत होने के बाद भी कई मसाइल से दो चार हैं, क्योंकि दीनी मदारिस के माहौल और असरी मदारिस के माहौल में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। अगर ये असातिज़ा को वहाँ पर उर्दू की भी तालीम देनी पड़ती है तो उसको इंग्लिश में समझाना पड़ता है। अंग्रेज़ी से अदम वाकिफियत की वजह से कई मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। जो मौलिमात इन मसाइल से गुजर चुकी है वही इसकी अहमियत को जानती है। दीनी मदारिस में तालीम देने वाली मौलिमात सिर्फ मदारिस के महवर में हैं, इसलिए इन्हें कोई मसाइल का सामना नहीं है। जी, मैं अपने कंक्लूजन पर आती हूँ, क्यों पेपर तो मतलब बोलना तो बहुत कुछ है। मदारिस के निसाब तालीम में तब्दीली की बेहद ज़रूरत है आज के टेक्नोलॉजी के तरक्की के ज़माने को देखते हुए। 90% इस तहकीक के दौरान मदरसा इंतज़ामिया कमेटी के अराकीन और उलमा कराम का इंटरव्यू लिया गया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि तमाम 90% उलमा कराम निसाब के तरमीम के हक़ में हैं। वो दीनी मदारिस के निसाब में असरी उलूम का इजाफा करना चाहते हैं। उलमा कराम के नज़रिए में हुकूमत की जानिब से जो सातवीं जमात तक जो निसाब तरतीब दिया गया है उसको वो दीनी मदारिस में शामिल करना चाहते हैं। इनके नज़रिया आज के हालात हज़ारे में मदारिस के तालिबात को भी असरी उलूम हासिल करना चाहिए और दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तकरीबन तमाम उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक है कि असरी मजामीन को शामिल निसाब करें, मगर इन मजामीन को ग्रेजुएशन तक रखा जाए तो बेहद माउन और काबिल तारीफ़ होगा और तमाम फारिगात और तालिबात के लिए हर जानिब से तरक्की की राह हमवार होती चली जाएगी। मुस्लिम माशरे की खवातीन के लिए एक नए तालीमी दौर का आगाज़ होगा। तहकीक के ज़रिए जो मवाद हासिल किया गया इसके तजिए से ये बात वाजह होती है कि दीनी मदारिस के निसाब तालीम में तब्दीली और असली उलूम की शमूलियत का रुझान पैदा हो गया है। ख़्वाह वो ज़ेर तालीम तालिबात हो कि फ़ारिग़ुत तहसील खवातीन या फिर मर्द असातिज़ा, तकरीबन सभी का ख्याल है कि अब तब्दीली नागजीर है। जबकि इस ज़िमन में मौलाना उलमा इकराम के नज़रियात का नतीजा भी यही सामने आया कि दीनी मदारिस के निसाब में कुछ हद तक असरी उलूम की शमूलियत होनी चाहिए, लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि इस सिलसिले में किसी भी तरह की खातिरख्वाह कोशिश की शुरुआत नहीं हुई है। सिर्फ अभी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड में इस अहम मौज़ू की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी और आने वाले बरसों में मुमकिन हो कि निसाब तालीम के साथ दीनी निसाब तालीम के साथ असरी उलूम की तालीम और मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज की शुरुआत की जा सके। मजमुई तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस अहम तवज्जो तलब मसले की जानिब संजीदगी से गौर फिक्र की ज़रूरत है, बल्कि सख्त इकदाम नागजीर है। अगर दीनी मदारिस कई मदारिस में असरी मजामीन भी शुरू किया गया है, मगर वहाँ पर असरी मजामीन के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ की असरी तालीम नाकिस है। अगर दीनी मदारिस का निज़ाम तालीम और इनके नतज में अहम मिसबत तब्दीली वाक़ होती है तो मुमकिन है कि मुस्लिम समाज दीनी मदारिस के तरफ ज़्यादा तरफ मतवज़े होगा और नई नस्ल को इन तालीमात से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करने के मौके फराम होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को बहुत तेज़ रफ्तार बना दिया है और इस तरक्की को पेश नज़र रखते हुए अपने निसाब तालीम को आज की तालीम व तरक्की के मुताबिक बनाना होगा ताकि दीनी मदारिस से फ़ारिग़ तहसील तालिबान अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के साथ साथ मौजूदा समाजी ज़रूरियात की तकमील के लिए बाशऊर बाख्तियार खुद मुकत्तफ़ी और तरक्की याफ्ता बन सके। दीनी मदारिस के मकासद और निसाब तालीम में तब्दीली के नतीजे में हमारे माशरे में अहम तब्दीलियाँ वाक़ हो सकती हैं। इनकी बुनियादी वजह ये है, इस्लाम एक बेहतरीन निज़ाम हयात है। अगरचे इस्लाम की बुनियादी तालीमात के साथ साथ असरी उलूम भी हासिल कर लिए जाएँ तो इसके बेहतरीन नतायज बरामद हो सकते हैं और मुस्लिम समाज दिगर मजाहिब से ख़ुद को मुनफरिद साबित कर सकते हैं। माजी से लेकर ताहाल
ऐसी कई मिसालें देखी जा सकती है जो एक कामयाब मुसलमान फर्द की हैसियत से दुनिया में मशहूर व मारूफ हुई हैं। इस तरह के नमूने पैदा करने के लिए हमें इस बात पर गौर करना होगा कि दीनी मदारिस के निज़ाम तालीम में असली उलूम को बराबर का दर्जा देना होगा और दीनी मदारिस के तुलबा इस्लाम की बुनियादी व अहम तालीमात के साथ साथ असर हाजिर के समाज के कामयाब अफराद भी बन सकते हैं। मैं अपने सिफारिशात के लिए अपना वक्त नहीं समझती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जानिब से जो हिफ्स वालों के लिए जो हिफ्ज़ुल क़राम प्लस शुरू किया गया और आलिम प्लस जो प्रोग्राम 3 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया गया वो बेहतरीन कोशिश है और इस कोशिश को पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, पूरे हमारे मुल्क में फैलाने की बेहद ज़रूरत है। इससे हमारी कौम, हमारा तबका तालीम याफ्ता बन सकता है। जैसे कई रिपोर्ट्स ने हमको ये बता दिया है कि हमारे इदाद शुमार क्या है, आला तालीम में हमारा 4.2% है और तर्क तालीम में 38% है, जो दूसरे मजाहब से बहुत ज़्यादा है। तर्क तालीम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन मदारिस पे और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं आलिम प्लस 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, उसको हम पूरे हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में इसको फैलाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नतायज बरामद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।